दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स ढालपुर कुल्लू। लोक निर्माण विभाग से संबंधित ठेकेदारों की यूनियन ने एम फॉर्म की अधिसूचना पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर काम बंद करने और समस्या के हल न होने तक कोई भी टेंडर न लेने का ऐलान करते हुए आज से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। यहां उपमंडल अधिकारी सहित अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंप कर प्रदेश सरकार से इस समस्या का समाधान करने की मांग की। यूनियन ने कहा कि एम फॉर्म का नियम बताकर पिछले कई महीनों से उनका जो भुगतान रोका गया है उसे तुरंत जारी किया जाए। ठेकेदारों ने इस अधिसूचना को ठीक करने की मांग सहित जीएसटी की बढ़ाई गई दरों को भी कम करने की मांग की है। आज का जो हमारा विरोध प्रदर्शन है सभी ठेकेदारों का, ये जो सरकार ने और हाईकोर्ट से जो कि WX फार्म का है, इस वजह से जो कि ठेकेदारों की पूरे भुगतान पिछले कई महीनों से रुके हुए करोड़ रुपए की याद के ठेकेदारों की वहाँ आज पड़ी है, इसका विरोध पे आज हम सभी ठेकेदार जो हैं आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हिमाचल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम सभी ठेकेदार अपनी यहाँ पुरजोर मांग रख रहे हैं कि ये जो सरकार ने रवैया अपनाया वो एक सही नहीं है, ठेकेदारों का भुगतान होना चाहिए। नंबर दो, हमारा जो 1 जुलाई 2017 से पहले जो GST का जब लगा हुआ है, GST 1 जुलाई 2017 से, तो उससे पहले के जो हमने काम हमारे को आमंत्रित हुए थे उसका जो GST सरकार ने काटा हुआ है उसका भुगतान सरकार नहीं दे रही है। तीसरा, हमारा एक ये जो GST 12% से बढ़ा करके 18% कर रहे हैं, हम इसका भी पुरजोर विरोध करते हैं और आज हम सभी ठेकेदार यह आपस में एक राय प्रकट करते हैं कि आज से हमारे जितने भी निर्माण कार्य चले हुए हैं सब बंद हुए हैं और ऐसा ही सरकार कर भी रहे तो आगे बंद रहेंगे। और ठेकेदार जो हैं, सरकार की जो ठेकेदारों के प्रति जो ढुलपुत नीति है ये नहीं होना चाहिए, सरकारों के प्रति यानी कि ठेकेदारों के प्रति कोई भेदभाव ना हो और ठेकेदार ही सरकार की योजनाओं को पूरा कार्यान्वित करते हैं। और आज हम इस अपने इस एसोसिएशन के माध्यम से आज हम सरकार को SDM के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार कैसा रवैया रहेगा तो ये हमारा विरोध जारी रहेगा। धन्यवाद। 7 तारीख को पूरे हिमाचल में कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रति जो निर्णय सरकार ने या हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, एम फॉर्म के पक्ष में हमने पूरे हिमाचल के कार्य कॉन्ट्रैक्टरों ने बंद रखे हैं और उसके माध्यम से सभी आज इकट्ठा होकर सरकार को, गवर्नर को SDM के माध्यम से ज्ञापन देंगे जिसमें एम फॉर्म जो है वो सरकार के माइनिंगे नहीं होने के कारण ठेकेदार प्रताड़ित हो रहा है, उसकी पेमेंटें रुकी हुई है, दिवाली के बाद कोई भी पेमेंटें नहीं मिली है। दूसरा इशू हमारा GST पे है, GST 17 के बाद लागू हुआ है, उससे पहले का GST कॉन्ट्रैक्टरों को नहीं मिला है जिसका कॉन्ट्रैक्टरों ने भरा हुआ भुगतान किया है, अपने बैंक की लिमिटें खाली कर दी है, बैंक लोन लेके दिया हुआ है परंतु आज दिन तक उसका भुगतान नहीं हुआ है, उसके भी कई ज़रूरतें होती है और उसके साथ कई लोग जुड़े होते हैं, कई छोटे दुकानदार जुड़े हैं, कई मजदूर जुड़े हैं, सब जुड़े हैं तो उनको परेशानियाँ पैदा हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार ये जो आपका एक तरफ का फैसला हुआ है एम फॉर्म का, अगर माइनिंग नहीं है तो काम क्यों करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं तो उनको पेमेंटें मिलनी चाहिए। लीज होल्डर कार्य हैं उनको ठेकेदारों के द्वारा ही पूरा किया जाता है, उसके बावजूद यह वर्ग सरकार से तिरस्कृत है और इस वर्ग को आज नहीं पूछा जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई श्री गोपाल जी ने बताया कि दिवाली के बाद की बात से उनकी पेमेंटें नहीं हुई हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार को ये सोचना चाहिए कि ठेकेदारों के भी अपने परिवार हैं, उनके भी अपने खर्चे होते हैं और अगर ठेकेदार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी इनका ये विकास के कार्य पूरे हो सकेंगे। अगर इस शर्त को नहीं हटाया जाता है तो ठेकेदार काम रोकने से भी
गुरेज नहीं करेंगे और फिर यह इसका जो अंजाम है यह भुगतने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार तैयार रहे। जय हिंद, जय हिमाचल। कि जिस प्रकार से छोटे ठेकेदारों का जो कामों में जो छोटे ठेकेदारों को जो रेट्स मिलते हैं वो नाबार्ड और PMGSY से अलग हैं, अगर वही MB है, वही JEE भरने वाला है, वही SDO टेस्ट चेक करने वाला है, तो मैं प्रदेश सरकार से यह मांग करना चाहूँगा कि उस काम की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी PWD के रूलों के अनुसार ही होती है, तो छोटा ठेकेदार क्यों पिस रहा है और क्यों छोटे ठेकेदारों के साथ भेदभाव हो रहा है? अगर वो भी जो GST के नॉर्म पूरे बड़े ठेकेदार करते हैं उन्हीं नॉर्म्स को छोटे ठेकेदार भी पूरा करते हैं, तो उनके साथ ये भेदभाव क्यों? ये अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहें तो आप विभाग से पूछ सकते हैं कि नाबार्ड और PMGSY के रेट जो हैं वो स्टेट शेड्यूल के अनुसार उनमें बहुत सी विभिन्नताएँ पाई जाती हैं और यह एक प्रकार से छोटे ठेकेदारों का शोषण है। और हम यह जयराम सरकार से यह निवेदन करते हैं कि इसके विषय में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ठेकेदार किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। विश्राम गृह जोगिंदर नगर के प्रांगण में जोगिंदर नगर क्षेत्र के डिवीजन के अधीन अंतर्गत आने वाले सभी ठेकेदार हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से SDM महोदय को गवर्नर के लिए ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश सरकार से जो कि M-फार्म कॉन्ट्रैक्टरों को कंपलसरी किए गए हैं और उनकी पेमेंटों को हेल्ड किया गया है, उनको उस शर्त को हटाने की मांग के विषय में गवर्नर को SDM के माध्यम से ज्ञापन देंगे। और दिव्य हिमाचल TV के लिए जोगिंदर नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन एसोसिएशन विद नालंदा करियर इंस्टीट्यूट इनवाइट्स यू टू एक्सपीरियंस द मोस्ट एफिशिएंट टीचिंग बाय जॉइनिंग इंटीग्रेटेड कोर्सेज इन नीट, JEE एंड NDA। दिल्ली और कोटा के बेहतरीन अनुभवी टीचर्स और IITMs की ये एसोसिएशन आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने में पूर्णतः सक्षम है। वी ऑल्सो ऑफर फाउंडेशन कोर्सेज फॉर क्लास 8th, 9th एंड 10th। भारत भारती प्री नर्सरी टू 10+2 इन एसोसिएशन विद नालंदा। कॉन्टैक्ट अस 9816136900, 7018311044।